हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। क्लास नाइन्थ लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जो आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर थर्ड, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था 3.2 एक्सरसाइज की थी, और उसमें हमने ग्राफिकल मेथड के द्वारा और मतलब कि पॉइंट्स पुट किए थे और कोऑर्डिनेट हमने बताए थे, बाकी ग्राफ में पॉइंट्स दे रखे थे और उसका हमने क्या बताया था, कोऑर्डिनेट बताए थे कि एक्स एक्सिस पर कितनी वैल्यू है, वाई पर कितनी है। अगर अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमें कुछ नया करना है, यानी कि उल्टा करना है उससे। प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, अगर उसके कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको क्या करना है, उसके पॉइंट को प्लॉट करना है किसके अंदर, ग्राफ के अंदर, ठीक है, प्लेन के अंदर मतलब। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और क्वेश्चन में से ही आपको समझा दूंगा सीधा। तो एग्जांपल है आपका यहाँ पे नंबर थर्ड, एग्जांपल है हमारे पास लोकेट दी पॉइंट्स 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, -5, -3, -5, -3, ठीक है। और एक पॉइंट और है हमारा 6, 1 इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमको ये सारे पॉइंट को प्लॉट करना है, राइट। तो मैं आपको प्लॉट करने के लिए, देखो यहां थोड़ी जगह कम है, तो एक काम करता हूं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ही बता देता हूं। तो मैं इस पेज को थोड़ा साइड में रखता हूं और इस पेज पर मैं आपको पॉइंट फिगर करना बताता हूं, ठीक है। तो आपके पास अपना जगह ले लिया करो एक पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना तो मैनेज कर सकते हो कि बराबर बराबर डिस्टेंस पर हो, आपके हाथ में ही बात है वो। ये हो गया आपका एक्स, लगभग 6 तक तो हो, ठीक है। और ऊपर हो गया आपके पास 1, 2 ऐसे डैश करके 3, 4, 5 and 6, ठीक है। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। और यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, -5 and -6। तो डिस्टेंस जो है आपका वो मेजर आप खुद कर सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि ग्राफ में ही सबसे अच्छा आपको समझ में होगा आएगा यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ जो है वो बेस्ट है समझने के लिए, तो ग्राफ का यूज आप कर सकते हैं। सर पहले भी यूज किया, यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है 5 and 0, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, एक्स ये एक्स है और वो भी कैसा है पॉजिटिव, ठीक है, एक्स पॉजिटिव ये रहा। और वाई की वैल्यू कितनी है 0, आपको बताया था मैंने कि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है 0 होता है ना। तो आप देखिए 0 कौन, वाई का मान 0, इस पूरे पॉइंट पर वाई 0 है, और वैसे भी 0 जो है वाई का मान वो क्या होता है कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर तो जा सकते नहीं है, क्यों, वो 0 कह रहा है, सर वहीं पे आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 and 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 and 5, यानी कि यहां पर क्या हुआ, 0 किसका मान है बताइए, एक्स का, तो एक्स का 0 होता है यहां पर, और 5 दे रखा वाई का मान, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 and 5, ये पॉइंट मैं ऐसे सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास वो है 2 and 5,
टू एंड फाइव, टू तो किसका मान हो गया x का, ठीक है, टू एंड फाइव, टू एंड फाइव, ठीक है, तो टू तो हो गया आपके पास x का मान, और फाइव क्या हो गया y का मान, तो देखिए टू तो ये रहा और फाइव ये रहा, तो दोनों जहां पर मिलेंगे वहां पर क्या हो जाएगा टू एंड फाइव, याद रखना जब दोनों मान जीरो में से कोई नहीं है तो फिर वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना, फाइव किसका मान है वाई का और एक्स का मान क्या है टू, तो ये टू के सामने, ठीक है। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है फाइव एंड टू, अब आइए फाइव, फाइव तो किसका होना चाहिए एक्स का, ठीक है, फाइव का तो हो गया एक्स का और टू किसका होना चाहिए वाई का, उसके सामने देखिए ये यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइव एंड टू, राइट। अब आती है वैल्यू नेगेटिव में, तो फाइव पॉजिटिव हो गए, अब नेगेटिव की बात आती है, नेगेटिव में है माइनस थ्री एंड फाइव, देख सकते हैं माइनस के थ्री एंड फाइव, तो माइनस के थ्री यानी कि एक्स है माइनस का थ्री ये रहा एक्स और फाइव किसका वाई का, ये फाइव है ही, तो इसके सामने ले लो, ये इसके सामने यहां पर आ गया और ये ऐसे ऐसे कर दो डॉट डॉट, तो ये आ गया आपका पॉइंट कितना है ये माइनस के थ्री एंड फाइव, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, माइनस थ्री और माइनस फाइव दोनों वैल्यू नेगेटिव है, दोनों वैल्यू नेगेटिव कहाँ आती है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आती है, जो यहां पर वाई भी नेगेटिव है, ठीक है, वाई नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, और यहां पर क्या है एक्स भी नेगेटिव है, तो दोनों यहां पर आएगा माइनस, और क्या कह रहा है माइनस थ्री एंड माइनस फाइव, तो माइनस थ्री ये रहा, ये पकड़ लिया हमने माइनस थ्री, माइनस फाइव ये रहा वाई का, तो माइनस थ्री और माइनस फाइव इसके सामने ले लो, तो ये हो गया आपका माइनस थ्री एंड माइनस के फाइव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइव एंड माइनस थ्री, फाइव किसका एक्स का, वो कैसा पॉजिटिव, फाइव एक्स का और वाई का नेगेटिव माइनस थ्री ये रहा, ठीक है, फाइव एंड माइनस थ्री, पहले हमेशा एक्स ही लिखा जाएगा फिर वाई लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, राइट। फाइव एंड माइनस थ्री, पहले पता है आपको कि यहां पर क्या आता है प्लस और नेगेटिव आता है, मैं लिख देता हूं दोबारा, यहां माइनस माइनस आते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या आते हैं दोनों प्लस प्लस आते हैं, और यहां पर क्या आता है प्लस माइनस का एक्स और प्लस का वाई, इस तरह से आपको पता लग सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये आएगा। अब हमारे पास जो लास्ट बचा है वो है सिक्स एंड वन, तो सिक्स ये रहा, सिक्स तो एक्स का और वन किसका है वाई का, तो ये इसके पास हो जाएगा सिक्स एंड वन, ये हो जाएगा सिक्स एंड वन, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरह से आपने ग्राफ जो है वो प्लॉट किया है, तो हर एक पॉइंट आपको प्लॉट करना आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बस ये ध्यान में रखना है कि पहले x को लेना है फिर y को लेना है, x पॉजिटिव है या नेगेटिव उस चीज को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो इसी हिसाब से हमारे पास आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेते हैं। एक चीज बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर आपके बुक के अंदर दे रखा है एग्जाम्पल नंबर फोर, इसमें एक टेबल बना रखी है, ठीक है, टेबल बना रखी है, तो उस टेबल को देखते घबराना नहीं है कि अरे ये टेबल बना रखी है हम क्या करें, तो माइनस थ्री और सेवन ये पॉइंट बन जाएगा, माइनस थ्री एंड सेवन, जीरो एंड माइनस थ्री पॉइंट फाइव ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ऐसे माइनस वन और माइनस थ्री एक पॉइंट बन जाएगा, फोर फोर टू एंड माइनस थ्री, तो ये पॉइंट ही दे रखे हैं पहले एक्स और फिर वाई, ठीक है, ये पॉइंट ही दे रखे हैं पेयर के रूप में, आपको ऐसा नहीं सोचना है सर ये क्या दे दिया अब उसको कैसे करें, तो आपके पास इसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं आपका एग्जाम्पल जो है सॉरी क्वेश्चन जो है सेकंड 3.3 का उसका क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जिससे आपकी क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन के लिए मैं नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, ये आपके पास एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर है आपके पास सेकंड, ठीक है, प्लॉट करना है हमारे को एक्स वाई, मैं आप सीधे यहां पे बना देता हूं इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स और ये हो जाएगा वाई,
ये हमने खींची लाइन, ये जाएगा माइनस टू, ये जाएगा एट, ये माइनस वन सेवन, ये जीरो माइनस के 1.25, ठीक है, ये 1 3 और ये 3 एंड माइनस के 1, ठीक है, बच गई, कोई बात नहीं। अब इस तरह से पॉइंट क्या हो गया आपके पास, 2 एंड 8 हो गया, माइनस 1 एंड 7 हो गया, 0 एंड माइनस के 1.25 हो गया। जब पॉइंट्स में है इस वजह से हम आपको इसमें प्लॉट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा, वरना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना ज्यादा, बस पॉइंट के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन कि कैसे हमको मेजर कर सकते हैं। तो देखिए जरा, हमारे पास एक और पेज पे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक मेजर करने का है, ठीक है, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 1, थोड़ा दूर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ज़्यादा बस दूर तक नहीं जाना हमारे को, हाँ हमें y की वैल्यू के लिए थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा क्योंकि 7 और 8 तक वैल्यू दे रही है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको सेकंड पेज पे बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y का जो डिस्टेंस है वो लंबा लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेजर कर देता हूँ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा नीचे करके बना लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि नेगेटिव जो पावर है ना उसमें तो वाई की वैल्यू ज़्यादा चाहिए नहीं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई जो है हमारा 8 तक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा नहीं दूर, और यहाँ पर जाएगा आपके पास -1 -2 -3 -4 -5, और ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए आप जो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, वो पॉइंट है हमारे पास -2 और 8, ठीक है, -2 एंड 8। तो -2 x की वैल्यू कितनी है, -2, देख दोबारा देख, x और y, x की वैल्यू कितनी है -2, y की वैल्यू कितनी है 8, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 कहाँ आएगी, इधर आएगी, ठीक है, ये रहा -2 और y की वैल्यू क्या है +8, देखो +8 आ रहा है ना, इसे मैं आपको कहा था कि यहाँ तक जाना पड़ेगा हमारे, तो ये वैल्यू जा रही है हमारी ऊपर तक, और ये हो जाएगा आपका -2 एंड +8, ठीक है, इसे मैंने यहाँ तक लिया था वैल्यू, आप इसे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर प्लॉट करने के लिए एक वैल्यू ज़्यादा एक वैल्यू कम कर सकते हो। अगली है -1 और 7, -1 किसका, x का, -1 और 7, तो ये देखिए आप ये वैल्यू यहाँ तक जाएगी पॉइंट पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1 एंड 7, ठीक है, -1 एंड 7। अब अगला है 0 और -1.25, 0 0 तो ये होता है x का मान 0 यहीं पे होता है, ये y डैश, ये y, ये x और ये x डैश, ठीक है, तो 0 0 पूरा 0 ये x का मान, x बराबर 0 और y बराबर कितना है, देखिए आप -1.25, तो -1.25 यानी कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये तो हो गया हाफ, यानी कि 1.5, और 1.5 और 1 के बीच में हो गया 1.25, ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट माइनस के 1.25, राइट। देखो ध्यान से भाई, 1 और 2 के बीच में क्या आया पॉइंट, तो ये तो क्या हो गया आपका 1.5, और 1.5 और 1 के बीच में तो आएगा 1.25, राइट। तो हमारे पास इस तरह से मान हो गया। अब अगला पॉइंट है 1 एंड 3, 1 और 3 तो इजीली 1 एंड 3, तो ये हो गया आपका पॉइंट यहाँ पे, ये हो गया 1 एंड 3। अगला है आपके पास 3 और -1, 3 तो किसका है x का, y का क्या है -1, ये रहा ऊपर वाला, ये हो जाएगा 3
एंड माइनस के वन, ठीक है, इसका ध्यान आपको रखना है। और लास्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया, और पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांच ही पॉइंट थे हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हुआ। और आपके पास जो होमवर्क के लिए है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट, और वो होमवर्क है। और एग्जाम्पल नंबर आपके पास कौन सा, एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है इसमें, वो है फोर्थ, ठीक है। दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, ये और ये। मैं होमवर्क चेक करूंगा, मतलब आपकी कॉपी होमवर्क करने के बाद आप ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर लेंगे, जो इसके अंदर नेक्स्ट ही हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होगा। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, राइट। तो इसके क्वेश्चन कंप्लीट करके होमवर्क करके आप पूरा करके दिखा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।